बाबू भाग्य भाई इधर कहा जा रहा है अंदर। ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार, मासूम लग रहा है। नीचे से भी पैर। ये पाइप से नहाता है इसको। ये देखो नवाब बेटा, चलो अब तुम्हारी बारी है टॉयलेट करने की। ओके चाओ चाओ की तरह लग रहा है, पास आने में दिखा दो जरा। चाओ चाओ ब्रेड की तरह लगता है, ऐसे करते तो चाओ चाओ लगता है बिल्कुल। अब तो चाओ चाओ लग रहा है बिल्कुल। चलो अब तुम्हारी बारी है। पैर देखो कैसे इसके हो रहे हैं, एकदम जबरदस्त पैर हो रहे हैं एकदम। तो रोनी को हमने अब करवा दिया। चल अब तेरी बारी है, चल उठ जा बेटा। काफ़ी आलस दिखा दिया, काफ़ी आलसी हो गया ये। इसकी लोकेशन यही है, यहीं पर है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे करेगा बस। ये देखो आते तो इसकी यही लोकेशन है। आपने जितने भी मेरे ब्लॉग देखे ना, इसकी यही लोकेशन है। घर से बाहर लाते हैं और यहाँ पे ये टॉयलेट करता है। ये ले इसको आज खिलाएंगे अच्छे से। ये ले, खा दिया उसने और फाड़ दिया। बैठो सोफे में, बैठो बैठ जाओ सोफे में। ओए कॉपी खाएगा क्या? आजा इधर, आजा 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 इधर। ले लिया इसने अभी। बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी कि ये बहुत गंदा हो गया है, इसकी कोट में बहुत गंदगी हो गई है। तो आज इसको हम अच्छे से नहलाना, बिल्कुल टब भर भर के पानी गर्म किया है इसके लिए, बिल्कुल टब भर भर के। पिछली बार हमने सिर्फ बहुत कम पानी गर्म किया था, तो इस बार ये टब गर्म पानी है, वो भी गर्म पानी है, भर भर के गर्म पानी। और डाल इसमें, बहुत गर्म हो रहा है। सही है ना? हाँ सही हो गया। इसको बांधे जाएगा, उसके बाद इसके साथ ऑपरेशन होगा इसका आज। ऑपरेशन नहलाना। शुभारंभ कौन करेगा? देखो कैसे बैठ गया डर के मारे। इसको पता है इसको नहलाने वाले हैं। पहले पूरा डाल लेते ना। अबे नहीं नहीं कुछ नहीं, जब गर्म पानी डालते हैं ना इसके ऊपर तो ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, जब ठंडा ठंडा पानी डालते हैं ना तो रिएक्ट करता है। देखो इसके टिक्स कल हमने निकाला था ना, इसके खून आ गया था, तो टिक्स अब हम हाथ से नहीं निकालेंगे, अब इसको नहलाएंगे जबरदस्त तरीके से अच्छे से। निकाल लिया इसने साला, प्रैक्टिस को ना वो हो गई है पूरी। देखो इधर ना बोले भाई साहब, ले भाग गया भाई इधर, कहाँ जा रहा है अंदर? अभी तो नहलाया नहीं है। ये पत्ता किसी काम का नहीं है, ये इसको खोल दे रहा है बाबा। हाँ तो ये इसको खोल देता है यार, इसका जो गले का पट्टा है ना वो हमने निकाल दिया था, बिकॉज उससे ये चोक हो रहा था ना बार बार, तो अब इसके लिए यार लेके आए थे। ये इसको खुला दे रहा है, खोल दे रहा है, मतलब खुद से इसको प्रैक्टिस हो गई अब। इसको थोड़ा और टाइट कर यार, अरे यार फिर निकाल दिया इसने यार। ले ले बाबू भाई नहलाना भी इसको एक टास्क है। नहाना नहीं है तेरे को? हो गया भाई टाइट हो गया बेटा, नहा लो आराम से, मुंह में नहीं डालने देता है रे पानी। वेरी गुड, ऐसे नहला जाता है रगड़ रगड़ के अच्छे से, बिल्कुल एक एक अंग को बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए इसका। कैसा लग रहा है नवाब? ये देखो चोटी वाले जो रेस्टोरेंट है ऋषिकेश में, बिल्कुल वैसी चोटी बना दी है। अब इसको नहाने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, गर्म पानी से नहा रहा है बेशरम, गर्मियों में भी। हम भी गर्म से तो नहा रहे हैं। तू तो बेशरम है ही और मैं तो नहाता ही नहीं हूँ। नहीं 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 बेटा नहीं 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 अभी लग रहा है बिल्कुल स्मार्ट, लग रहा है बिल्कुल स्मार्ट। देख रहे हो इसके बाल कितने हैं, जितने भी आपको दिखेंगे ना जंगली जानवर, वो तिब्बतन मैस्टिफ को इसलिए भी नहीं मार पाते हैं बिकॉज वो इनका नेक नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि नेक पकड़ने में ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि नेक किधर है, इतने सारे इतने घने बाल होते हैं इनके, तो वो भी एक तरीके से इसलिए भी ये इतने माहिर होते हैं, ईजिली मार लेते हैं वुल्व्स को और लेपर्ड्स को। यंग लेपर्ड को नहीं मार पाते हैं ठीक है, ये जो बच्चे लेपर्ड होते हैं और जो ओल्ड होते हैं ना उनको ईजिली ये वो भी ग्रुप में मारते हैं, अकेला तिब्बतन मैस्टिफ नहीं मार पाता है। अकेला जो है वो रेजिस्ट कर लेगा और अपने को प्रोटेक्ट कर लेगा, अगर इसके गले में वो लगा रहेगा वो कांटे वाला पट्टा जो होता है वो लगा रहेगा तो ये कर लेगा, अदरवाइज यार अकेला डॉग कोई भी हो वो लेपर्ड से तो नहीं लड़ सकता, बिकॉज लेपर्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल। देखो कितना मस्त लग रहा है यार, मासूम लग रहा है, एकदम मासूम लग रहा है हमारा। समुंदर में नहा के और भी नमकीन लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ एकदम भेड़ का बच्चा लग रहा है। अच्छे सफाई हो चुकी है, तो देखो ये है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे बकरी की तरह लग रहा है अभी तो, ये बकरी का बच्चा जब सूखेगा ना तब अच्छा लगेगा। लग रहा है यार बिल्कुल जबरदस्त, नाना पाटेकर स्टाइल।
ऐसा लग रहा है टोपी पहना रही है ऊपर से। हम इसका नाम फाइनल नहीं कर पाए हैं यार, इसको एक भी नाम पसंद नहीं आया अभी को। ये कह रहा है कुछ इसके नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, अभी की तरह। नाम से क्या है? इसका नाम अभी कुछ और आप सजेस्ट कर सकते हो, कोई बढ़िया नाम ना, एकदम यूनिक नाम। कोई बोल रहा है रैगनर वैगनर, यार वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम है यार, कुछ यूनिक सा नाम बता दो ना। तो वो लगा था बुलेट, बुलेट नाम अच्छा लगा, मेजर नाम अच्छा लगा काफी। अब रोनी की बारी है नहाने की, अब उसको हम ठंडे पानी से नहलाएंगे पाइप से। ये पाइप से नहाता है इसको, ये देखो बैठ। रोनी इसको, ये को ज्यादा रेजिस्ट नहीं करता नहाने में, नहा लेता है पाइप से, इसको गर्म पानी की भी जरूरत नहीं है, ठंडे पानी से नहाता है। रोनी नहीं बैठ जा, इसको आदत हो गई इसको नहाने की, चक्कर मार दिया इसने पूरा यहाँ से वहां तक। कर रहा है यार पूरा पानी छड़क दे रहा है उसको, तो नहा लिया देखो, वो देख रहा है यहाँ से कि उसके साथ भी थोड़ी देर पहले यही हाल हुआ था। ही इज नाउ वॉचिंग। अच्छे अच्छे से नहला है। इसके बाद हम ना इसको ग्रूमिंग क्लासेस भी खोलने वाले हैं, और ये जो बंदा है ना ये ग्रूम करने वाला है, मतलब आपके जो पेट्स हैं उनको नहलाना है धुलाना है, तो ये इसको ट्रेनिंग दे दी, अभी से दी जा रही है। तो ऊंचा बोल में एक दुकान खोलेंगे ग्रूमिंग, पेट ग्रूमिंग करके, तो इसको अभी से हम इंटर्नशिप दे रहे हैं, घर पर ही सिखा रहे हैं। तो कल के दिन हल्द्वानी में आपको डॉग्स नहलाने धुलाने हो तो ला सकते हो। अभी मुंह में भी अंदर भी इसका वॉश किया जाएगा अच्छे से। ये है मंजन, जा तो मंजन ला अपना, माही अपना टूथ बोलेगा ब्रश, तेरे वाले ब्रश से उसका दांत साफ करेंगे माही के ब्रश। ये चमक गया रोनी भी हमारा यार, कोई कम नहीं है किसी से। इसने भी नहा लिया है, नवाब ने भी नहा लिया, तुम दोनों भी नहा लो फिर यार। उसको दिखाया था, सूख गया देखो पीछे से और आगे से देखो कैसा लग रहा है ये नहाने के बाद, कैसा लग रहा है? लुकिंग वेरी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव नवाब। रोनी को देख के उसे अब लग रहा है कि ठीक है यार, जैसे वो नहीं था क्लास में बच्चे की मैं फेल हुआ तो कोई नहीं, दूसरा मेरा दोस्त भी तो फेल हुआ है, तो वैसे ही उसको भी लग रहा है मेरे साथ जो हुआ हुआ कोई नहीं, इसके साथ भी हो रहा है, तो उसे अच्छा लग रहा है अब। ओए थोड़ी देर में तो इस लकड़ी के इसको पूरी ब्रांच को उठा के ले जा देगा ये, अभी से हिला दे रहा है इसको। लोगों ने हिला दिया है तो देखो कैसे लग रहा है दोनों नहा के, कितने मासूम लग रहे हैं यार नहाने के बाद, पता नहीं क्या होता डॉग्स को एकदम मासूम हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये इन दोनों को नहला रहे थे ना कैली गायब है, कैली इज़ नो वेयर, मीन्स यहाँ पे कहीं भी नहीं है, देखी नहीं थी दूर दूर तक, कहीं नहीं है, उसे पता है क्योंकि वो कैली क्यों नहीं आई हुई अभी इसको नहला भाग गई, वो भाग जाती है हमेशा ना, जब भी नहाने का टाइम होता है वो भाग जाती है, वो आती नहीं है, उसको पता लग जाता है, तो वो नहीं आई आज। और इन दोनों को नहला दिया गया है ज़बरदस्ती, इनके राइट्स का हनन करके, इनके अधिकारों का हनन करके इन्हें नहला दिया गया है। इस बार लग रहा है आम बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं, ये तो आम खाएंगे ये दोनों, खेलने लग गया टावल के साथ। नहीं रोनी नहीं, अरे अरे टावल को फाड़ देगा, मारे ये नानी को कुछ नहीं कर रहा, देखो अभी को काट रहा था पोज दिया अच्छे से नीचे से भी पोज। रोनी तो डांटने लग जाता है ना आपको, कह रहा कि माफी कर रहा है तू। हाँ नहीं, वो कह रहा है कि तुम मेरे ओनर को कैसे काट रहे हो। नहीं चलो अब रहने दो, चलो हो गया। ये देखो ये लैब्रा ऑस्कर है, ब्लैक कलर का, यहीं पे रहता है पड़ोस में, ये भी आ गया है। नहा तेरे भी नहाने का मन है? नहीं नहीं है इसका मन, चल बाय। नहाया तो इनके लिए ट्रीट आ गई है, इसके नवाब के लिए दही और ब्रेड, और इसके लिए भी दही और रोटी। जिसने भी हमें कमेंट करके बताया था ना कि यार इसको दही खिलाओ और ब्रेड खिलाओ, तो बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट था यार, उस दही खिला खिला के इसको ऐसे हो गया ना, ये बिल्कुल हेल्दी हो गया है और बिल्कुल इसके अब कोई भी सिम्टम नहीं रह गया बीमारी के। तो दही ने काफ़ी अच्छा काम किया यार, थैंक्स, ऐसे कमेंट करते रहें यार, और हमें हमारी हेल्प होती रहती है और हमें भी गाइड करते रहें। अपना खाने के बाद उसके उसमें टूट गया रोनी के उसमें, अपना फिनिश कर दिया इसने और रोनी के उसमें से खा रहा है अब, और देखो कितने प्यार से खा रहे हैं दोनों। ये रोनी बहुत ही ज़्यादा जेंटल है यार, बिल्कुल फूड एग्रेशन नहीं है इसके अंदर, और अगर यही रोनी ने इसके साथ कर दिया होता ना नवाब के साथ, हाँ तो भड़क गया होता ये। अरे भाग गया, पकड़ लिया एक बार खेत में भाग गया ना ये और रोनी, तो इनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो यहाँ से वहाँ भागते हैं, फिर वहाँ से यहाँ भागते हैं, और पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और एक तो ये बंदा है ना, ये भाग भी नहीं पाता उनके पीछे, तो इसके भरोसे कुछ नहीं छोड़ना, बस अभी ही कंट्रोल कर पाता है, ये पकड़ पाता है। तूने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल? हाथ लगा तो देखो यार, सब्सक्राइबर नहीं है ये मेरा, तो कर लेगा सब्सक्राइब, मेरे को एक मेरा सब्सक्राइबर नहीं मिला। हाथ लगाएगा तो इस बंदे ने नहीं किया, ओए काट देगा अबे, नहीं काट देगा। इंजेक्शन लगा जो सब्सक्राइबर है उसको नहीं काटता, जिसने नहीं किया उसको काटता है। आज चलो इसको पीटू 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 कर रेस्क्यू
वाब और रॉनी दोनों ही सो गए हैं नहलाने के बाद और ये रेस्ट कर रहे हैं। तो अब इनको रेस्ट कर देते हैं यार और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको अगर व्लॉग पसंद आया तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।